नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वैदिक एस्ट्रो चैनल में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ नया, कुछ इम्पोर्टेंट जरूर लेके आएगा, क्योंकि ज्योतिष को सीखना कई बार बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन ज्योतिष सीखना नामुमकिन नहीं। तो इसी चीज़ को मैं अपने ही चैनल में बताता हूँ, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जैसे आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ज्योतिष सीखने के लिए ऐसे कौन से माध्यम हैं जिससे आप ज्योतिष को बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ इनसाइट दैट एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। तो सबसे पहले तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप ज्योतिष को देखें कि क्या ज्योतिष काम करता है, नहीं करता, और ज्योतिष सच में काम करता है और आपके लिए भी करेगा, क्योंकि अगर सैकड़ों लोगों के लिए अगर कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन काम करता है तो इसका मतलब इट इज़ वेरी क्लियर दैट एस्ट्रोलॉजी इज़ वर्किंग एंड इट इज़ गोइंग टू मेक रिजल्ट। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ज्योतिष क्या चीज़ है और कैसे हम इसमें और डिटेल में समझें। शुरू करने से पहले आज मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे पूरा दिन हमारा शेड्यूल रहता है और अलग अलग लोग कुंडलियाँ लेकर आते हैं और उसको एनालिसिस करने के लिए बोलते हैं, तो मेजरली मेरे जितने भी कंसल्टेशन हैं वो सारे ऑनलाइन होते हैं। तो आज भी एक सुबह का एक सेशन था जिसमें हमने चार्ट को देखा, और इंटरेस्टिंगली जब मैंने चार्ट देखा तो वहाँ पे सबसे पहले मुझे दिखा कि उस चार्ट में उस जातक को बच्चों के रिलेटेड कोई ना कोई समस्या दिखेगी। तो मैंने उनको ये कहा कि बच्चों के रिलेटेड कोई भी समस्या अगर आ रही है तो मैंने क्या देखा उसको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। देखिए, ज्योतिष सीखने के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर डिवोटेड इनफ टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और अगर आप डिवोटेड नहीं हैं यू विल अनेबल टू अंडरस्टैंड हाउ ब्यूटिफुली एस्ट्रोलॉजी कैन चेंज द थिंग्स इन योर लाइफ। तो उस चार्ट में मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं केतु खराब है, ठीक है। तो केतु रिप्रेजेंट्स चाइल्ड, तो बच्चों के प्रति अगर टेंशन आएगा तो कहीं ना कहीं केतु कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड होगा। तो वो देखने के साथ ही मैंने उनको ये बताया कि ये समस्या है, एंड आप मानोगे नहीं, देर इज अ ह्यूज इम्पैक्ट विद द कर्मा। नाउ हाउ देर इज अ इम्पैक्ट विद द कर्मा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज अभी हमारा एक कोर्स है जो कि स्पेसिफिकली कर्मा थ्योरी के ऊपर है, और उसमें अगर आप डिटेल में समझें कि कर्मा कैसे लाइफ को चेंज करता है, कैसे लाइफ को आप मोल्ड कर सकते हो, अपने छोटे छोटे लाइफ के इवेंट्स को बदलते हैं, जैसे मैं भी समझाने वाला हूँ इस सेशन में। मैंने जो देखा इस सेशन में, मैंने ये देखा कि एक तो कुंडली में केतु खराब है जिस वजह से इस जातक को बच्चों के रिलेटेड कोई ना कोई समस्या आ रही है, प्लस ये जातक अपने ही ससुराल में जाके रह रहा है। आई मीन इट, अगर आप अपने ही ससुराल में जाके रुक रहे हैं तो आपका केतु बर्बाद हो जाएगा। अब आप देखिए, नियति है एंड वी आर एज अ एस्ट्रोलॉजर ट्राइंग टू गाइड दैट पर्टिकुलर पर्सन व्हाट एग्जैक्टली द स्टेप ही नीड टू फॉलो ताकि उसका केतु और खराब ना हो। तो ये कार्मिक वे में जब हम रेमेडीज कराते हैं, पहली बात वी आर आस्किंग अ पर्टिकुलर पर्सन टू चेंज द पैटर्न हाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ। तो मैंने उनको ये कहा कि आपको अपने ससुराल में नहीं रुकना है। हालांकि ये चीज़ लगभग कई लोगों को पता होता है, लेकिन लोग शायद उसका इम्पैक्ट नहीं जानते, एंड आई बिलीव आई एम शेयरिंग इट टू द पब्लिक, और ये जो इम्पैक्ट है, ये जो इंफॉर्मेशन, इट इज गोइंग टू स्प्रेड टू एवरीवेयर विद द हेल्प ऑफ यू गाइज, एंड मे बी पीपल विल एबल टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन रियली सेव सर्टन प्लैनेट्स बाई एक्टिंग प्रॉपरली। तो ऐसी चीज़ें मैंने कार्मिक क्लास के अंदर मैंने बताया है जो कि डेफिनेटली आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। अगर जातक अपने ही ससुराल में रुकेगा, वहाँ पे केतु के ऊपर बड़े लेवल पे प्रभाव होगा और वो नुकसान भी करेगा। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप कोशिश करें अपने ही परिवार में रुकें और अपने ससुराल में ना ठहरें। तो मैंने उनको यही सलाह दी, पहला तो
24 घंटे भी आप वहां पे ना ठहरे, है ना। नाउ देर इज सम वेज बाय विच ही कैन रियली डू द मॉडिफिकेशन और डू द रेमेडी, तो वो चीज़ें हमने कंसल्टेशन में बताया। ऑब्वियसली वी कैन नॉट कवर दोज थिंग्स हेयर बिकॉज हेयर वी जस्ट वॉन्ट टू शेयर द इंफॉर्मेशन दैट हाउ एस्ट्रोलॉजी एंड कर्मा आर फ्यूज्ड, कैसे ये दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं, कैसे ये दोनों चीज़ें लाइफ में एक साथ काम करती हैं, और क्या करने से, एक छोटी सी चीज़ करने से हमारे ग्रह खराब होते हैं, एक छोटी चीज़ करने से हमारे ग्रह अच्छे हो जाते हैं। जैसे मैं छोटी सी बात बताता हूँ, जिंदगी में आप एक स्टेप फॉरवर्ड भी ले सकते हो, एक स्टेप बैकवर्ड भी ले सकते हो। वन स्टेप फॉरवर्ड वन स्टेप बैकवर्ड, फर्क क्या है? दोनों ही अच्छे और बुरे के लिए ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कार्मिक वे में। सोचते हैं किसी इंसान को आपकी मदद चाहिए, उसको उसको रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया है और उसको मदद चाहिए, तो आपने एक कदम बढ़ाया उसकी मदद करने के लिए, दैट इज अ गुड कर्मा। अगर कोई चीज गलत हो रही है वो करने के लिए आपने स्टेप एक कदम बढ़ाया, तो देन वो एक स्टेप जो आपने लिया इट इज गोइंग टू स्पॉइल द कर्मा। और एक स्टेप पीछे भी आप अपने लाइफ से पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ले सकते हैं। जैसे कि इसी सिनेरियो को लेते हैं कि किसी इंसान को आपकी ज़रूरत है और उस टाइम पे उसका एक्सीडेंट हो गया है, और आपने मदद करने की वजह, मदद करने की जगह आपने एक स्टेप पीछे ले लिया, तो अगेन दैट इज गोइंग टू स्पॉइल योर कर्मा। और कोई गलत काम आप करने की सोच रहे थे और आगे बढ़ने ही वाले थे लेकिन आपने एक कदम पीछे ले लिया, दैट इज द गुड कर्मा विच कैन रियली चेंज योर लाइफ एंड गिव यू पॉजिटिविटी। सो दिस इज द मैजिक ऑफ कर्मा, दिस इज द मैजिक ऑफ एसेंस ऑफ कर्मा। अगर आप इस कर्मा थ्योरी को सीखना चाहते हैं, इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं कुछ चीज बोलना नहीं चाहता कि मैंने इसकी प्राइस क्या रखा है क्या नहीं रखा, आप खुद देखना, एंड आई बिलीव इट इज वर्थ इट। अभी तक जितने लोगों ने इसको लिया है, जितने लोगों ने इसको लिया है, दे आर रियली हैप्पी एंड दे आर अमेज्ड। इज एस्ट्रोलॉजी इज दिस? आई गेस यस, क्योंकि लोगों को बहुत चीज बताई जाती है लेकिन असली जो कार्मिक स्टेप्स हैं ग्रहों को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए वो कोई नहीं बताता। अगर बताएंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। अगर आप समझते हैं कि ये स्टेप्स लेकर आप अपने लाइफ को बदल सकते हैं, तो मैं ही कहूंगा ये कोर्स आपके लिए अमेजिंग इन्वेस्टमेंट होगा, और कभी भी आपको ये फील नहीं होगा कि ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको, मैं तो कहूंगा इनसाइट देगा बहुत बेहतर तरीके से। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी डाला था जिसमें मेरी चैनल में आपको दिख जाएगा, देर आर सम रिव्यूज अबाउट दैट पर्टिकुलर कोर्स, तो आप उसको जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आप पूछ सकते हैं हमारे टीम से कि कैसे ज्वाइन करना है, कैसे नहीं ज्वाइन करना, कोई सवाल हो वो पूछ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कवर करी है मैंने उसमें, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो एक बार ज़रूर चेक करिए, मैं तो ये कहूँगा एक बार ज़रूर चेक करिए, और देन डेफिनेटली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड हाउ ब्यूटिफुल द एस्ट्रोलॉजी इज, हाउ ब्यूटिफुल दिस वर्ल्ड विच इज क्रिएटेड बाय द गॉड। भगवान ने ये दुनिया बहुत बेहतरीन तरीके से बनाई है और खुशी और आनंद के साथ जीने के लिए बनाई है, तो क्यों ना हम साथ मिलकर इस जीवन का आनंद लें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो कहीं ना कहीं मैं आप तक पहुँच पाया हूँ, एंड यू विल एबल टू गेन गुड थिंग्स इन योर लाइफ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।